हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कक्षा 10 गणित का मॉडल पेपर, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए, हमारा कोचिंग क्लासेज ईमेल एड्रेस है nagarnaresh584@gmail.com। अगर आप फेसबुक पेज प्रिंस क्लासेज को लाइक करोगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे वीडियो अवेलेबल होंगे, वीडियो यहाँ तक कि पीडीएफ वगैरह। यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाना चाहते हो तो प्रिंस क्लासेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कॉन्टैक्ट नंबर हमारे इसमें दिए हुए हैं और ये कक्षा 10 गणित का मॉडल पेपर है, जो परीक्षा की दृष्टि से ही बनाया गया है। 10.5 देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा 85 का वर्ग ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है उपसूत्र यावदुनम द्वारा 95 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर के क्वेश्चन है। इसके बाद यदि सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, यहाँ 5 थीटा एवं एक न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यह आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका सातवां क्वेश्चन देखो, दी गई आकृति, दी हुई आपको एक आकृति, इसमें ए बी वर्त का व्यास है तथा कोण पी ए आर 50 डिग्री है तो पी ए सी का मान ज्ञात करना है। आपको एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, ये प्रायिकता से है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद ये 9 नंबर आया आपका, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। एक कार 36 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है, यदि रुकने की दूरी 10 मीटर तथा मंदन की दर 4.4 मीटर से स्क्वायर हो तो पहुँचने का समय ज्ञात करना है इसमें आपको। फिर आया आपके खंड ब में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपको, पहली प्रश्नावली से पूर्ण वर्ग संख्या का द्वंद योग विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। फिर आपके दूसरा क्वेश्चन है, 5 घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, एक साथ बजना प्रारंभ कर दे तो बताए कि 20 मिनट में वह कितने समय कितनी बार बजेगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। ये छायांकित भाग वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको छायांकित जो क्षेत्र दे रखा है इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई, तो इसका आपको करना है आयतन ज्ञात। इसके लिए फिर 15 क्वेश्चन, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। और फिर खंड स आ गया आपके, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि द्वारा एक द्विघात समीकरण आपको यहाँ दी हुई है, इस द्विघात समीकरण को आपको हल करना है। फिर समांतर श्रेणी से आया आपके 3 नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 31 हो तथा 15वां पद 11 हो, 11वें पद से 16 अधिक है, तो प्रथम पद का सार्वंतर ज्ञात करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर ये आया आपके, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक को पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई पर खड़ा है, पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री हो तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये परीक्षा की दृष्टि से। फिर ये आपको 19वां क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें मध्यिकाएँ आपको दी हुई है। 20वां क्वेश्चन भी आपके 3 नंबर का है, जिसमें त्रिभुज एबीसी समरूप है, त्रिभुज पीक्यूआर हो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर। देखो, ये दो एबीसी और पीक्यूआर दो समरूप त्रिभुज हैं यहाँ पर, इसमें एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और पीक्यूआर का क्षेत्रफल दे रखा है। एक भुजा एबी बराबर 2.1 सेंटीमीटर है तो पीक्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको अनुपातों का जो मेथड है उससे होगा, ये अनुपात वाला सूत्र, यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर होता है
पी ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर। तो आप पक्षांतरण करके इसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 आया, फिर आपके चतुर्भुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है आपके। 22वां क्वेश्चन एक देखिए, 22वां क्वेश्चन देखो आप। ये 23वां क्वेश्चन आया आपके वर्ग क्षेत्रफल और आयतन वाली प्रश्नावली से, पिछली बार बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। 6ठा क्वेश्चन भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर आपके 25वां क्वेश्चन आया आपके प्रायिकता से, तो ये भी आपके बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आपके आया है 5 वर्ष पश्चात किसी पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तब उनकी वर्तमान आयु क्या करनी होगी। 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसको आपको ग्राफीय विधि के द्वारा यानी कि आलेखीय विधि के द्वारा हल करना है, जो हमने ऊपर इंस्ट्रक्शन में दे रखा है आपसे, जो इसके आप निर्देश पढ़ोगे तो ये देखिए निर्देश में 26वां जो आपका पॉइंट है इसमें लिखा है। प्रश्न नंबर 26 को का लेखा चित्र ग्राफ पेपर बनाना है, ग्राफ पेपर बनाना है, तो उस मेथड से इसको आपको हल करना है। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये दो यानी कि जो आपकी त्रिकोणमिति प्रश्नावली है उसमें से है, तो ये मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं आपको, अथवा में आएंगे। सर्व समीकरणों को सिद्ध करना है आपको, तो ये देख लीजिए यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दोनों में से एक करने हैं। एक क्वेश्चन आपके यहाँ 3 नंबर का है, 2 क्वेश्चन करने हैं एक साइड से, कोई से भी 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो। फिर आपके समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं ए और बी का मान, ये निर्देशांक ज्यामिति से आपके बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, वहाँ से हैं। और फिर ये आपके ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज जिसमें ए बी समांतर डी सी, असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है, दर्शाइए कि ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी है, ये आपको सिद्ध करना है। और इसके अथवा में भी मैंने एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी आप देख लीजिए। और ये लास्ट वाला जो 30 नंबर के क्वेश्चन है उसमें मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं। पहले में तो निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात करना है आपको, 6 नंबर का क्वेश्चन है। और जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है, ऊपर वाले में तो माध्य ज्ञात करना है और नीचे वाले में आपको माध्य ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से ये मॉडल पेपर जो हमने बनाया है, तो इस मॉडल पेपर के आधार पर आप तैयारी कीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और इसी प्रकार के और मॉडल पेपर इनकी बढ़िया से अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे कोचिंग चैनल प्रिंस क्लासेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि हम और भी वीडियो बनाते रहें आप लोगों के लिए। धन्यवाद।